हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार गुप्ता, जीएसटी प्रैक्टिशनर, आपका दोस्त, आपका मित्र। आज मेरा जो टॉपिक है वो डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ सर्टेन इश्यूज थे रिगार्डिंग जीएसटी के, उस पर कुछ क्लेरिफिकेशंस आई है, मैं उस पर आपके सामने बात करने जा रहा हूँ। बहुत लोगों की क्वेरी थी, उस पर आज डिपार्टमेंट ने क्लेरिफाई कर दिया, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले इशू आपको दिख रहा है, इशू में आपको क्या इशू है कि अगर कोई ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, मतलब OEM अगर कोई भी माल फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहा है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को, तो क्या उस पर OEM को रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट की आवश्यकता है या नहीं है। तो डिपार्टमेंट ने आज क्लेरिफाई किया है कि कोई भी अगर मोल्ड या डाई ऑन्ड बाई ओरिजिनल इक्विपमेंट में, मतलब OEM अगर उसको सेंड कर रहा है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को, तो गवर्नमेंट के तरफ से कुछ बातें बताई गई है कि टू नॉट बीइंग रिलेटेड पर्सन या डिस्ट्रिक्ट पर्सन, ये कोई रिलेटेड पर्सन नहीं है बल्कि ये डिस्ट्रिक्ट पर्सन है, क्योंकि कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर जो होता है, जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो अपना जो पर्सनल कोई अपने लिए अगर कोई सिस्टम के जरिए तैयार करते हैं तो उसे कोई रिलेशन नहीं है। तो उस केस में गवर्नमेंट की तरफ से क्लेरिफाई कर दिया गया है कि अगर कोई OEM फ्री ऑफ कॉस्ट कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को अगर भेज रहा है तो उस पर देख रहे हैं कोई ज़रूरत नहीं है रिवर्सल ऑफ इनपुट क्रेडिट अवेल करने की, सच मोल्ड या डाइज बाई OEM, अगर कोई मोल या डाइल बनाया जाता है OEM के द्वारा। तो यहाँ पर एक क्लेरिफिकेशन सीधे सीधे हो गई है कि अगर कोई भी OEM फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहा है जैसे मोल्ड या डाइज किसको, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को, तो उस केस में रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट पर्सन है, उनमें कोई रिलेशन नहीं होता है। तो इस तरह से आपका ये इशू आज समाप्त हो गया कि इस केस में आपको रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, इसी केस को हम आगे बढ़ाते हैं कि और क्या क्या बातें यहाँ पर क्लियर हुई। कह रहा है कि जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर जो सप्लाई होगी उसकी जो वैल्यू कैलकुलेट करेगा, जो वैल्यू कैलकुलेट करेगा उसमें मोल्ड और डाई जो प्रोवाइड किया है OEM फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस पर, उसको ऐड नहीं करेगा, उसको उस वैल्यू को ऐड नहीं करेगा किसमें, सप्लाई में। बिकॉज क्या है, कॉस्ट ऑफ मॉड्यूल मोल्ड या डाइज नॉट बी इनकर्ड बाई कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, क्योंकि ये इनके द्वारा कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर के द्वारा ये इनकर्ड नहीं हुई। तो सीधी सीधी यहाँ पर बात हो गई कि अगर कोई OEM अगर फ्री ऑफ कॉस्ट सेंड करता है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को तो उस पर रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट की कोई ज़रूरत नहीं है, और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को क्या जो मिला है फ्री ऑफ कॉस्ट उसको सप्लाई में आप वैल्यू ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारे थ्रू ये अंडरस्टैंडिंग हो रही है मेरे हिसाब से कि वैल्यू ऑफ सप्लाई के टर्म में आप इसको आप ऐड नहीं करेंगे। ओके, आगे चलें हम लोग आगे चलते हैं, इसी केस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। बट कुछ बातें यहाँ पर बता दी कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब OEM और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर के अगर बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो मोल्ड या डाई बिलोंग करता है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर से, मतलब उसी के प्रोडक्ट से कहीं ना कहीं रिलेटेड रखता है, तो उस केस में जो OEM सप्लाइड बाई OEM टू कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर FOC बेसिस, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस, द अमोर्टाइज ऑफ कॉस्ट सच मॉड्यूल सेल बी एड द वैल्यू ऑफ कंपोनेंट। तो उस केस में अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी तो अमोर्टाइज कॉस्ट बेसिस पर उस वैल्यू को ऐड किया जाएगा, और इस केस में आपको रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट की ज़रूरत पड़ेगी। किस केस में, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कार्य हो उस केस में आपको क्या अमोर्टाइज कॉस्ट बेसिस पर आपको वैल्यू को ऐड भी करना है और साथ ही आपको क्या
रिवर्सल इनपुट टैक्स क्रेडिट को भी करने की जरूरत है। तो दोनों केस यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है कि रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स ऑफ क्रेडिट वैल्यू अवेल टू बी मोल्ड या डाई। इस केस में आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हो रही है तो आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत है। मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पर सीधी सीधी बात हो गई कि अगर कोई OEM अपनी गुड्स को फ्री ऑफ कॉस्ट सेंड करता है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को, तो उस केस में रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट करने की ज़रूरत है। तो वो कहता है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, और साथ ही कंपोनेंट जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको अपनी वैल्यू आप जो सप्लाई होगी उसमें वैल्यू को जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट मिली उसमें आप ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तीसरी बात ये भी कही है कि अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अगर OEM और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो चीज़ें मोल्ड या डाइज कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर से कहीं ना कहीं यूज़ में आता है, और उस केस में आप यहाँ पे रिवर्स ऑफ क्रेडिट आपको अवेल करना है, मतलब इसको करने की ज़रूरत है, जो हम लोग का इशू था। और दूसरी बात, इस जो इसको हम एमोर्टाइज कास्ट बेसिस पर हम वैल्यू को ऐड भी करेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा इशू था कि बहुत से केस में होता है कि सर्विसिंग ऑफ कार इन्वॉल्व द बोथ या सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस, दोनों चीज़ें लगती हैं। जैसे जब भी आप कोई कार सर्विस कराते हैं तो उस केस में क्या होता है कि आपको कार की सर्विसिंग के समय आपको कुछ स्पेयर पार्ट्स भी लगते हैं, कुछ लेबर्स भी लगते हैं। तो क्या उस केस में पूछ रहा है कि गुड्स या सर्विस आर सो सेपरेटली, और इसका ट्रीटमेंट GST का क्या कैसे होगा? तो उस केस में कह रहा है कि ये डिटरमाइन केस टू केस बेसिस पे है कि क्या सरकमस्टेंस है। लेकिन अगर वहाँ पर वैल्यू ऑफ सप्लाई गुड्स और सर्विस की दोनों की अगर सेपरेटली शो की जाती है तो सर्विस विल बी लाइबल टू टैक्स एट द रेट ऑफ अप्लीकेबल। जो रेट सर्विस पे होगी वो सर्विस लगेगी, मतलब आप सेपरेटली यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। अगर सर्विस का रेट 12% है और गुड्स का रेट 18% है तो दोनों अलग अलग आप चार्ज कर सकते हैं। तो ये भी आपका यहाँ पर इशू क्लियर हो गया। दूसरा एक और इशू था यहाँ पे कि कोई भी अगर ऑक्शन पीरियड में टी कॉफ़ी या रबर का ऑक्शन होता है, उस केस में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत है एवरी प्लेस पे, और साथ ही क्या ये इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं? दो यहाँ पर केस बनना है कि क्या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत है और क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकता है। तो यहाँ पर क्लेरिफाई कर दिया गया है कि मेंटेन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट आपको करना है, चाहे वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हो चाहे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हो, कहीं भी हो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत है। इस पर बहुत बड़ा क्लेरिफिकेशन हुआ था, मगर इस पर मैं आपको ऊपर ऊपर बता देता हूँ कि ये 8 जून को एक सर्कुलर आया, उसी में है। आप चाहें तो आप मेरे लिंक पर देख सकते हैं। इस पर ये भी कह रहा है कि अगर एडिशनल प्लेस पर आपका बिजनेस कोई है और प्रिंसिपल और बायर की भी जो ऑक्शंस होती है, तो जो वहाँ पर कोई अगर यहाँ पर ये मटेरियल्स कहीं स्टोर की जाती है, कहीं एडिशनल प्लेस भी स्टोर की जाती है, तो वहाँ भी आपको बुक्स आप मेंटेन करने की ज़रूरत है। एक और यहाँ पर क्लेरिफिकेशन हुआ था यहाँ पे कि अगर हम चाहें तो एडिशनल प्लेस पर जो माल स्टोर होता है, चाहे हमारा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, अगर हम उसका मेंटेनेंस ऑफ बुक्स हम अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर करना चाहें तो कर सकते हैं। उसको रिटर्न में आपको कंसेंट लेटर देना पड़ेगा जुडिशियल को, तो उस केस में आपको करना पड़ सकता है। तो ये यहाँ पर आपका यहाँ पर इशू क्लियर हो जाएगा कि आपको बुक्स आप मेंटेन करने की ज़रूरत है। यस, बिल्कुल आपको है, आपको बुक्स आप मेंटेन करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, यहाँ पर एक और चीज़ आ रही है क्लियर कि अवेल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो हम लोग के सामने एक क्वेश्चन था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने एलिजिबल है कि नहीं है। तो इस केस में आपको सेल बी एलिजिबल टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट फुलफिल अदर प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट रिट टू बी रूट एलिमेंट टू बी देर अंडर। मतलब इस केस में कर दिया गया है कि यहाँ पर क्लेरिफाई कर दिया गया है कि प्रिंसिपल एंड ऑक्शन फॉर द पर्पज ऑफ ऑक्शनियर एंड पर्पज फॉर द ऑक्शन ऑफ टी एंड कॉफी या रबर, तीनों केस में आपको पर्पज ऑफ सप्लाई ऑफ टी थ्रू प्राइवेट ट्रीटी सेल बी एलिजिबल टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। इस केस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट आप अवेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों इशू आपका क्लियर हो जाएगा कि
अगर कोई बुक्स आप अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत है क्या, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कह दिया कि हाँ आपको बुक्स आप अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत है एवरी प्लेस पे, ठीक है। और दूसरी बात, क्या हम इस पर एलिजिबल हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए, तो यहाँ पर भी आपको मिल गया कि यस आप एलिजिबल हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए सब्जेक्ट टू द फुलफिल ऑफ अदर प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट। तो ये भी यहाँ पर क्लियर हो गया। एक और इश्यू यहाँ पर था कि क्या रेलवे के द्वारा अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, वेदर गुड्स कैन बी डिलीवर इवन इफ ईवे विल नॉट प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। कह रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अगर हो रहा है रेलवे के जरिए, और तो क्या अगर ईवे बिल जनरेट नहीं हुआ है तब भी हम माल को डिलीवर कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये कह दिया गया है CST रूल फॉर द शॉर्ट, रेलवे शैल नॉट बी डिलीवर गुड्स अनलेस, कब तक, जब तक ईवे बिल प्रोड्यूस ना हो जाए एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो यहाँ पर आप समझ जाइए कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की डिलीवरी रेलवे के जरिए तब तक नहीं हो सकती जब तक आप ईवे बिल प्रोड्यूस ना कर दें। एक और यहाँ पर इशू आपके सामने था कि गुड्स वेदर गुड्स थ्रू ट्रांजिट वन स्टेट, मतलब अनदर स्टेट, मूविंग फ्रॉम वन एरिया इन स्टेट टू अनदर एरिया इन सेम स्टेट, मतलब अगर सेम स्टेट में एक एरिया से दूसरे एरिया में भी जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई शहर हो, जैसे मान लीजिए किसी शहर का नाम गोरखपुर है, और गोरखपुर से अगर गोरखपुर में किसी दूसरे एरिया में जा रहा है, तो उस केस में आपको ईवे बिल जनरेट करने की ज़रूरत है। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि ईवे बिल जो है एरिया वाइज कभी भी जो है नहीं डिसाइड होता है, वो डिपेंड किस पर करता है कि इंटर स्टेट सप्लाई है या इंट्रा स्टेट सप्लाई है, उसका मूवमेंट स्टेट है या इंट्रा स्टेट है, न कि एरिया वाइज है। तो यहाँ पर आपको अगर सेम स्टेट में है या एक एरिया से दूसरे एरिया में भी है, तो आपको ईवे बिल जनरेट करने की आवश्यकता है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को समझ जाएं। आगे एक और इशू फटाफट समझ जाइए कि अगर कोई गुड्स DTA यूनिट टू सेज यूनिट या सेज यूनिट टू DTA यूनिट में मूव हो रहा है और वो सेम स्टेट में है, तो क्या ईवे बिल जनरेट करने की ज़रूरत है। तो इस केस में कह रहा है कि अगर कोई गुड्स DTA टू सेज या सेज टू DTA और सेम स्टेट में लोकेशन पे अगर मूवमेंट हो रही है, तो उस केस में कोई ज़रूरत नहीं है आपको ईवे बिल जनरेट करने के लिए, इज एग्जम्प्ट अंडर 138 सबसेक्शन 14 क्लास डी ऑफ द CGST एक्ट में ये बोला गया है। तो आपने सारी चीज़ें बहुत जल्दी फटाफट मैंने